लो भी भाइयों इसी रैंप पे देखते हैं बैक चढ़ा के बैक कैसे जाएगा। नमस्कार किसान भाइयों, ये है भाइयों अपना ट्रैक्टर फार्म ट्रैक 60। भाइयों आज भाइयों हम गोबर निकाल रहे हैं, खेत में गिरा रहे थे। इसके पीछे है भाइयों 12.5-6.5 ट्राली है भाइयों, पूरी भरी हुई है। और आगे देखो भाइयों ये रैंप है। कई बार भाइयों क्या होता है, वीडियो में देखने में रैंप बहुत छोटा लगता है कि छोटा ही है, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये ना तो बहुत बड़ा है, वैसे काफी है। देखेंगे भाइयों तीसरे के लो में आसानी से चढ़ जाएगा ट्रैक्टर या दिक्कत आएगी कोई। देखते हैं भाइयों, पूछते हैं कितने के गियर में, कौन से गियर में चढ़ाएगा, कौन सा गियर, तीसरा लो है भाइयों, तीसरे के लो में ये ट्राली चढ़ाएंगे अपन यहां से। देखते हैं भाइयों, ये तो भाइयों बड़े आराम से ले गया यार, क्योंकि ट्राली में भी बहुत ज्यादा वजन नहीं है, गोबर ही है। और भाइयों एक बार देखते हैं इसे कि बैक कहां तक लाएगा ट्राली, इसको बैक में चढ़ा के देखते हैं भाइयों, चढ़ा देगा बैक बैक। वो आ गया भाइयों, देखते हैं कि बैक में चढ़ा देगा। भाइयों खिंचाई के मामले में 60 का कोई जवाब नहीं भाइयों, बढ़िया ट्रैक्टर है, हमने तो सभी तरह के काम करके देख लिए इसके साथ। अभी देखते हैं भाइयों बैक में चढ़ाएगा, बैक देखी बस। लो भी भाइयों इसी रैंप पे देखते हैं बैक चढ़ा के बैक कैसे जाएगा। बहुत धीरे लेके जा रहा है भाइयों, पीछे जाके रैंप काफी ऊंचा हो जाएगा। ए रेस दे दे, चढ़ा पाएगा भाइयों। देखो भाइयों कितना बड़ा रैंप है, रैंप छोटा नहीं है। ये देखो भाइयों बड़े आराम से ट्रैक्टर बैक ले गया। पिछली बार भाइयों यहाँ गिल्ला था, बारिश हुई हुई थी, इस पे काफी भाइयों जोड़ तोड़ करना पड़ा था, इसीलिए आज हमने चढ़ा के देखा। भी देखिए अगर जमीन नीचे सख्त हो फिर तो आराम से ले जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी भाइयों। पिछली बार बारिश हुई हुई थी तो ट्रैक्टर काफी स्लिपेज निकालने लग गया, बड़ी मुश्किल से चढ़ा था ऊपर। तो ये थी भाइयों वीडियो, अगर वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और अपने भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार किसान भाइयों।